एक्सरसाइज 1.3 का ये सेकंड पार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम दे रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड और कर चुके हैं इसकी, तो वो आप देख चुके होंगे। कंसीडर एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इसमें हमें दो काम करने हैं, एक तो ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और एक हमें इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ये। तो एक्चुअली हमने आपको बताया है कि जब कभी भी इन्वर्टिबल हो फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन वही फंक्शन होगा जो 1-1 एज वेल एज ऑनटो होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह करना है कि ये 1-1 फंक्शन है और सॉल्यूशन में एफ एक्स, और एफ एक्स से पहले आप लोग एफ को जरूर ध्यान दिया करो, आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 ये फंक्शन आप लोग को गिवन है। तो हम लोग जैसे जैसे आपको बताया था 1-1 की जो प्रॉपर्टीज है हम उसी को फॉलो करेंगे। यहां पर लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी एनी टू रियल नंबर, क्योंकि ये जो फंक्शन है हम रियल टू रियल पर डिफाइन किया है, इसलिए हम लोग यहां इसको रियल नंबर कंसिडर करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ 1-1 एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब जहां भी x है एफ एक्स में, उसके यहां पर एक्स वन और एक्स टू हमें यूज करना है, 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3 से ठीक आंसर, और 4 से डिवाइड कर दीजिए x1 = x2 हेंस एफ इज 1-1 हेंस एफ इज 1-1 भाई 1-1 तो बता दिया। अभी इसके साथ साथ हम लोग को ऑनटो और बताना है। अब ऑनटो के लिए क्या है, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, सो एफ एक्स कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 4x + 3 सो y - 3 इक्वल टू व्हाट 4x, और x इक्वल टू y - 3/4। अब हमने द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन में क्या होगा कि ये x की वैल्यू में हम लोग को y की टर्म्स में, तो f ऑफ y परंतु y नहीं है, y की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू क्या ही है, तो एफ एक्स ही तो हमारा क्वेश्चन में जो दिया है, देखो ये एफ एक्स, एक्स यहां पर हमें क्या यूज करना, y - 3/4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू, फिर हमें वो यूज करनी है y - 3/4 और +3 देखो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो बचा क्या y - 3 + 3 3 से 3 क्या आ गया y आ गया, हेंस f is on top। अब ये 1-1 भी है और ऑनटो भी है। अभी अभी हमने डेफिनेशन बताई थी इन्वर्टिबल की, कि विच फंक्शन इज इन्वर्टिबल इन विच द फंक्शन इज 1-1 एज वेल एज ऑनटो, है ना, सो f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल यानी इन्वर्टिबल तो हो गया, एक पार्ट हमने यानी इन्वर्टिबल का यहां तक प्रूव कर दिया। अब इसके बाद में जो पार्ट है उस पार्ट को आप देखें कि इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को बिल्कुल बड़े ध्यान से समझें, जो भी दे रखा है एफ एक्स को नहीं होना, तो एक बार एफ एक्स को हम दोबारा से यहां पर लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3 तो इसी को हम y लिख देते हैं 4x + 3
तो अब इसका जो पहला स्टेप है इनवर्स फाइंड करने का वो क्या होगा कि फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. सो y माइनस 3 इक्वल टू 4x और x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4. इसको हम क्या लिख देते हैं जी वाई. क्या लिख देते हैं जी वाई. इसको जी वाई कह दिया. अब ये पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप हमारा हो रहा है गॉफ ऑफ एक्स. गॉफ ऑफ एक्स हमें ये निकालना. तो जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ एफ एक्स जहां जी है जी बाई है उसमें हमें एक्स के लिए बाई के लिए पर क्या यूज करना है एफ एक्स. तो ये वैल्यू हम यहां यूज करेंगे. तो एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 4. एफ एक्स की वैल्यू यूज करें. एफ एक्स की वैल्यू है 4x माइनस सॉरी प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4. 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल. क्या आ गया x. या इसी को हम कह देते हैं i x. सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया. अब बचा हमारे पास थर्ड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में क्या करना है. थर्ड स्टेप में हम लोग को निकालना है भाई फॉर ऑफ y. इसका मीन्स क्या होगा कि f ऑफ g वाई. f ऑफ g वाई. अब एफ एक्स में जहां x होता था उसकी जगह हमें क्या यूज करना है g वाई. तो 4 इंटू जी वाई. जी वाई लिख दीजिएगा आप. जी वाई माइनस 3. जी वाई की वैल्यू मैंने इस वजह से नहीं इसको साफ किया था क्योंकि वाई की वैल्यू आप लिखोगे तो लोग क्यों जी वाई तो हमें ये पूरा यूज करना है. तो ये क्या लिखेंगे 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3. अब इसको साफ कर दो. ओके अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. यहां पॉजिटिव है सॉरी और यहां भी आप लोग का पॉजिटिव था. 4 से 4 कैंसिल. तो ये क्या बचा वाई माइनस 3 प्लस 3. वाई 3 से 3 कैंसिल. क्या आ गया वाई. इसी को क्या लिख देंगे आई वाई. तो तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए यहां पर. और तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद में एक ही बात करनी है कि एफ इज द इनवर्स ऑफ जी एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ. तो एक्चुअली आंसर तो हमारा जो बाई के टर्म्स में था ना वही आ गया था. और तो हमें ये प्रोसेस इसका करना पड़ता है. तो एफ इनवर्स बाई इज इक्वल्स टू क्या आया था. यह आया था बाई माइनस 3 अपॉन 4. आंसर तो हमारा यही होगा. अब एक बार लिखना है लोगों को एफ इज द इनवर्स ऑफ जी एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ. यानी एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है. ठीक है ना. इसके बाद आगे देखेंगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया. उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद देखेंगे अगला सम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आपका 9. क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है कंसीडर एफ आर टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी. माइनस 5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इजिक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. सो दैट एफ इनवर्स वाई
f inverse by is equals to under root by plus 6 minus 1 upon 3. हमें ये यहां पर प्रूव करना है स्पेशल. देखिएगा सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लोग को ये डेफिनेशन यहां पर दे रखी है. अब देखो ये क्लोज इंटरवल है और ये आपका ओपन इंटरवल है. यहां पर इस पूरे अगर एंटायर सेट की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल. तो एफ एक्स क्या देखा है वही देखिए. 9x² प्लस 6x माइनस 5 इसी को हम क्या बोलते हैं y. y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5. पहला स्टेप याद करें. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू y के टर्म्स में. तो सबसे पहले हमें करना क्या है y प्लस 5 इस 5 को इधर लाओ और 9x² प्लस 6x. उसके बाद हमें करना क्या है यहां पर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है औरों से. तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 इंटू 3x. अब यहां पर हमें क्या यूज करना है 3x का कोफिशियंट है क्या है वो 2. तो इधर साइड में देखें कोफिशियंट ऑफ 3x होल स्क्वायर अपॉन 2. तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर करें 4 by 2 सॉरी कोफिशियंट ऑफ 3x 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 2 से 2 1. तो यहां पर हम 1 प्लस कर दें और 1 ही माइनस कर दें. तो y प्लस 5 इज इक्वल टू ये क्या बन गया हमारा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1. इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये हो गया y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ ऑफ द साइड्स. सो अंडर रूट y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1. इस 1 को भी ट्रांसफर करें अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. 3 से डिवाइड कर दें वी हैव y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x. एक्चुअली इसको हम क्या लिख देते हैं gy. क्या बोल देते हैं जी वाई. वैसे चारों आंसर को हमारा जो प्रूफ करना था वो तो आ गया परंतु हमें इसके साथ साथ इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो भी करना जरूरी है. अभी तुम लोग क्या फाइंड करेंगे यहां पर गॉफ ऑफ एक्स एंड फॉर ऑफ वाई. अगर ये वैल्यू एक्स आ जाए और ये वैल्यू क्या आ जाए वाई तब आप जाकर के बताएंगे एफ इज द इनवर्स ऑफ जी एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ. अच्छा ये जो पार्ट मैंने डाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इनको तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं. ये डू योर सेल्फ तुम्हें स्वयं करना है और इसी के साथ आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हो. और किसी कोई डाउट होती है तो अपना ग्रुप में आराम से इसको शेयर करें बताएं.